बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान रौशन असली आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई लोकेशन के साथ। ये दोस्तों एक काफ़ी पुरानी हवेली है और इस जगह पे जो हमारे कोई सिख रहते थे, सिख भाई, और काफ़ी पुरानी जो उनकी ये हवेली है, मुझे उनका नाम नहीं आता और कंफर्म नहीं है कि उसका नाम क्या है, तो इसलिए आज ये काफ़ी जो पुरानी है इस जगह पे लोग बताते हैं कि ये भूतिया हवेली है, तो काफ़ी अरसे से बंद है, तो इसलिए आज हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ कमरों को ताले वगैरह लगे हुए हैं और कुछ जो अंदर से ही जो लॉक किए गए हैं, तो जो कमरे खुले होंगे उनका आप लोगों को विज़िट कराएँगे। और लोग बताते हैं कि अक्सर इस हवेली से अजीब अजीब सी आवाज़ें, रोने की और चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं। तो कुछ हिस्सा जो नया तैयार किया गया था, लेकिन इस आवाज़ों की वजह से लोग जो काफ़ी परेशान थे, तो इसलिए जिन लोगों ने इधर रैश की थी वो इस हवेली को छोड़ के चले गए हैं। तो अभी ये भी सुनसान और डेंजरस हवेली और अब इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जा रहा है। तो करीब करीब ये कम से कम 100 साल से भी पुरानी हवेली है। ये आप देख सकते हैं कि इसके दरवाज़े कैसे हैं। और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस जगह पे आके उनको जो ये विज़िट कराऊं इस हवेली का, तो काफ़ी अरसे बाद हमें इजाज़त मिली है इस हवेली की। ये देखें, ये दरवाज़े हमने खोलने की कोशिश की है, लेकिन अंदर की तरफ से भी जो लॉक किए गए हैं, ये वाले कमरे एक दूसरे के अंदर से कनेक्ट हैं, क्योंकि अंदर से भी दरवाज़े रखे गए हैं और इस दरवाज़े को बाहर की तरफ से ताला मारा गया है। तो अक्सर बताते हैं कि इस कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कुछ आती हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर खिड़की है काफ़ी बड़ी, तो वो किसी औरत की चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं इस हवेली के अंदर से। तो जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हमें कुछ देर के लिए मौका मिला है इस हवेली का विज़िट करने के लिए, कुछ टाइम ही हमारे पास, 8 से 10 मिनट उन्होंने कहा है, लेकिन इस हवेली के अंदर किसी को इजाज़त नहीं आने की जब से ये भूतिया हवेली बनी है। ये आप देख सकते हैं तावीत वगैरह बांधे हुए हैं, ये इधर सामने की तरफ कीले वगैरह लगाई हुई हैं, ये कीले लगी हुई हैं, ये देखें, ये आप देखें, और भी आप लोगों को दिखाता हूँ, कीले लगी हुई, ये देखें, ये कीले लगी हैं। ये देखने को तो बिल्कुल आम सी लग रही हैं, लेकिन ये इनके ऊपर कुछ तवी धागा करके इसे बांधा गया है। ये देखें, ये किले लगी हैं, ये जगह जगह पे जो किले गाड़ी गई हैं, और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन ऊपर जाने की हमें इजाज़त नहीं मिली। तो अभी इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, ऊपर जाने की हमें इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ भी एक कमरा है जो सख्त मना किया गया है इस जगह पे आने के लिए, क्योंकि उस कमरे के अंदर अक्सर लोगों को कोई अजीब सी, जैसे आप कह लें, आत्मा नज़र आती है। तो ये स्कूल का हिस्सा है, इसे भी लॉक किया गया है। जो कमरे खुले हैं आप लोगों को उसको अंदर जाकर भी दिखाएंगे। ये आप देखें, ये स्कूल बनाया गया था, लेकिन किसी खौफ की वजह से ही ये बंद किया गया है।
और इधर इस दरवाज़े को लॉक कर दिया गया। इधर भी यही मामला आते हैं सभी। तो अभी आप लोगों को दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए हैं इसके अंदर। अल्लाहु अकबर। ये आप देखें कि ये भी कमरे लॉक किए गए हैं। किसी इंसान को इधर इजाज़त नहीं है दिन के वक्त भी आने की। तो लेकिन हमें काफ़ी अरसे बाद इस जगह की जो इजाज़त मिली है कुछ देर के लिए, तो जितना हो सकेगा आप लोगों को दिखाएंगे। ये इस हवेली का मेन दरवाज़ा है। ये आप देखें कि कुछ अजीब अजीब सा बदरुओं की शक्लें बनाई गई इस जगह पे। और इस जगह पे ये दरवाज़ा था, और इस जगह पे ये किले वगैरह दो तबीता का करके इधर बंद लगाई गई है। ये आप देखें, अल्लाहु अकबर। अभी कमरों के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। अल्लाहु अकबर। काफी सालों से ये बंद है। अल्लाहु अकबर। काफी ज्यादा गर्मी इस कमरे के अंदर। इसकी छत जो गिर गई थी तो दोबारा से रिपेयर की गई है और छत वगैरह नहीं डाली गई है। काफी ज्यादा गर्मी इस कमरे के अंदर। ये आप देख सकते हैं सारा, और ये खिड़कियां दरवाजे सारे पुराने जमाने के हैं, और ये टेबल वगैरह जो कुछ नया सामान रखा गया है इस जगह पे, और कुछ अस्पताल का भी सामान पड़ा हुआ है इस जगह पे।
अकबर। استغفر الله، الله أكبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الله أكبر، يا الخير. और ये भी कमरे कुछ रह गए थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमें मना किया गया था इन कमरों के अंदर आने के, लेकिन फिर भी हम इनके अंदर आ चुके हैं। अल्लाह खैर करे। ये दोस्तों आप देख लें, जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी उनके लिए हम इस जगह पे भी आ गए हैं। काफी पुराने हैं। यार काफी डर भी लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हवेली है। तवीत से कुछ अजीब अजीब सा ये आप देखें। अल्लाहु अकबर। तो अभी जो दोस्तों हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। अल्लाहु अकबर। इस कमरे में कोई आया दोस्तों? तो अभी भी जो हमारा इजाज़त का टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। तो इस कमरे के अंदर एक्टिविटी मौजूद है अभी भी। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो हमें इधर से निकालना चाह रही है। कौन है? अल्लाहु अकबर। अभी दोस्तों अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारा टाइम पूरा हो गया, तो अभी दोस्तों से अलविदा कहने का टाइम आ गया। इस जगह पे अभी भी वो देखें, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे जैसे वो ऊपर की जो बारियों के अंदर से कोई चीज़ हमें देख रही हो, जैसे कोई औरत। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तो अभी दोस्तों आप लोगों से इजाज़त लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जगह का जो दोबारा विज़िट करेंगे और किसी बुज़ुर्ग को साथ में लाएंगे, अगर किसी ने जगह क्लियर करवानी होगी तो। अल्लाहु अकबर। ये देखें ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। तो अभी आप लोगों से इजाज़त लेते हैं हम।
अल्लाह हाफिज़।